पूछो जहर ने असर क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? वो जो बोतल खून की दी थी जनाबे अली, उसकी वजह से। वो कोई सादे आदमी का खून नहीं था, एक डायरेक्टर का खून था, और डायरेक्टर भी वो जिसके ड्रामे में हीरो कभी मरता ही नहीं है। एक दफा राइटर ने क्लाइमेक्स में लिख दिया कि हीरो मरेगा। मैंने कहा नो, हीरो नहीं मरेगा। राइटर अड़ गया। उसने कहा डायरेक्टर साहब, हीरो जिंदा रहेगा तो ड्रामा मर जाएगा। मैंने कहा अच्छा चल मार। उसने मार दिया। मैंने कहा मर गया, अब तू जा, कुल्लों का इंतजार ना कर। लो जी इधर हो गया, उधर मैंने हीरो को मारा। जू ही हीरो का दम निकला, मैंने हीरो के कान में कहा छू कर जिंदा कर दे। ना करो डायरेक्टर साहब। आपकी कसम जनाबे आली, इधर उसने मरे हुए हीरो के माथे पर हाथ रखा है, उधर हीरो में जान पड़ गई है। ये होता है डायरेक्टर। आपका खून तो फिर सबको लगाना चाहिए है? वो तो ठीक है जनाबे अली, पर एक डायरेक्टर में खून ही कितना होता है? दो तीन बोतलें बस, बाकी का सारा खून तो एक्टर साड़ देते हैं जनाबे अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बारी बारी जाके मिल लीजिए, लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक। थैंक यू सो मच। इट्स ओके जी। चल जाके तू पहले मिल ले मारुख। चल मेरा बच्चा। ना मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? वो समझेगा कि मुझे मोहब्बत हो गई है। ज्यादा हो गया मेरे बादशाह। चल शाबाश, उंगली में चाबी घुमा, गड्डी में बैठ और किसी अच्छी जगह पे नाश्ता कर। ये तो ठीक नहीं कर रहा बड़ी पैकर। तूने मुझे गलत करते देखा ही कहाँ है? जा, लड़कियां खड़ी हैं, वहीं तमाशा हो जाएगा। निकल शाबाश, जब दोबारा मुसलमान हो जाए तो आ जाना मेरे पास, फिर रख लूंगा तुझे। पर इस तरह कुफर की हालत में मेरे आसपास फिरना, मेरी नजरों के सामने रहना, कौसर को लेने मारना, फोन पे बातें करना, सख्ती से मना है मेरे बादशाह। इधर आए जफरी। साहब को गड्डी तक छोड़ के आ। जैसे आदमी की इज्जत रखी है मेरे बादशाह, वरना फिर कभी पी के मेरे सामने आया तो तेरा खून पी जाऊंगा।
जी तो चाहता एक थप्पड़ मारू उसके मुंह पर। कमीने ने सचमुच जहर पी लिया। पता है तेरी इस हरकत की वजह से हमारा कितना नुकसान हुआ है? हाँ, मोहब्बत करने वाली सब लड़कियां डर गई हैं। अब कोई भी मुस्टंडा शीशी उठाकर पहुंच जाएगा उनके दरवाजे पर और ठन कर बोलेगा कि मैं जहर पी लूंगा। अब वो कमबख्त जहर पिए ना पिए लड़कियां तो समझेंगी कि पी लेगा। हाँ, मतलब लड़कियां तो हो गई ना शोले की बसंतिया। मारू खाई थी? हेलो, वो गई कब है? यहीं कहीं पड़ी, बेवक्त की नमाजें पढ़ी है तेरे लिए। वो चली गई है। अच्छा, तो वो चली गई है। यार तुम दोनों वैसे चीज क्या हो? क्या समझते तुम दोनों ये दुनिया क्या तुम दोनों की घटिया मोहब्बत के सहारे जीत गया? रात भर हमें बकरियों की तरह खून टैसे बांध कर रखा और जब हमने इस कमीने को मरने से बचा लिया तो थैंक यू बोले मेरे घर चली गई। आपने बचाया मुझे तो और क्या, तुम्हारे अब्बा ने बचाया आकर क्या तुम्हें? रात भर यहाँ बैठकर ड्यूटियां दी हैं तुम्हारे लिए, दुआएं की हैं, लोगों से कहे दुआएं करो उसके लिए और बात करते हो। आपने अच्छा नहीं किया। तो इसमें परेशानी क्या है बेटा, फिर मर जाओ। लेकिन याद रखना सरमद अली, अब की बार अगर दोबारा अस्पताल आने की नौबत आई तो मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा। मैं अंदर आ सकता हूँ जनाबे? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? खून की एक बोतल इसने भी दी है तुम्हें। ओह नो। यस जनाबे अली, अब आपकी रगों में हमारे खून ने भी गेस्ट अपीयरेंस दी है। एंटी क्लाइमेक्स में हमारा ही खून आपके काम आया जनाबे अली। अब मैं अंदर आ जाऊं? आ जाओ। नहीं 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 नहीं, आप बैठे रहो, मैं बस आपसे इजाजत लेने आया हूं। किस बात की इजाजत? अब घर जाऊं मैं, अल्लाह के फजल से आप तो ठीक हो गए हैं, लेकिन खून देने के बाद मुझे बड़ी वीकनेस हो रही है। तो तुम रात से यहाँ हो? आप कहें तो मैं मोहब्बत के लिए दो रातें और रुक जाता हूँ। किसकी मोहब्बत के लिए? आपकी और उसकी मोहब्बत के लिए। वो आपसे बहुत मोहब्बत करती है जनाबे अली, पर उसको आप पर गुस्सा भी बहुत है और गुस्सा जायज है उसका। इसलिए मोहब्बत में जनाबे अली बस एक ही बात, रोल और एक्शन की आवाज लगती है, फिर चाहे वो पूरा सीरियल हो या पूरा एपिसोड, बीच में कट कहीं नहीं होता जनाबे अली। इस तरह तो हमारे जैसी बोल्ड फैमिली में भी नहीं होता। क्या नहीं होता? कि लड़की ऑल नाइट घर वापस ना आए और फादर को पता ही ना हो। पता है एक बार मैं 6 बजे घर वापस आई थी तो क्या कहा था रंगू ने मुझसे? रंगू? रंगू कौन? माय ब्रदर। तो तुम सुबह 6 बजे क्यों आई? वाह, मुझसे पूछ रहे हो, अपनी बेटी से क्यों नहीं पूछते? मैं तो फिर भी सुबह 6 बजे घर वापस आ गई थी, पर वो तो अब तक नहीं आई है। लुक एट द क्लॉक, 10:30 बज रहे हैं, 10:30। बिल्किस, 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 ओ इधर नीचे देख, ऊपर क्या देख रहा है? क्या है? कहाँ है ये लड़की? कौन सी लड़की? मारुख की बात कर रहा हूं मैं। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे सामने तो अस्पताल गई थी। कैसी माँ हो तुम? बेटी रात जब तक घर नहीं आई,
और तुम मजे से नाश्ते कर रही हो, इसे क्या देख रही हो? मुझे देखो, मुझे देख रही हूं कि कब तक तू इसके स्कूल में पढ़ेगा और कब तक तुझे ये पढ़ाएगी। अपनी जुबान को लगाम दे बल्कि। चल बीबी उस्तानी, तू जरा अंदर चल, मैंने जरा इसको करारा सा जवाब देना। बता बता क्या जवाब देगी, बोल क्या जवाब देगी। जवाब ये है कि तू इस स्वीटी को हाई बाय कह, स्कूटर पकड़ और जा स्टोर पर, वरना मैं तेरी टाई खींच कर तेरा गला दबा दूंगी, और जब तेरे डेले बाहर आ जाएंगे ना तो तुझे बताऊंगी कि फरमान अली ये मेरा काम नहीं है। तो ठीक है, देख लूंगा किसका काम है। अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा। क्या कह रहे हो जानू, स्टोर पे नहीं जाना? नहीं जाना मैंने। वाह भाई, रात की सोई हुई गैरत, सुबह 10:30 बजे जागी। चल चल टाई पहना इसको, टाई पहनी हो तो लगता है तेरा है, वरना पता ही नहीं लगता किसका है। वैसे भी अपने जानवर को पट्टा डाल के रखना चाहिए। तूने मुझे कुत्ता कहा? आई नहीं जानू, खरगोश कह रही हो तुम्हें। आ गई है वो। रुक फरमान अली, एक बात सुन ले और अपनी स्वीटी को भी समझा दे, इसके सिक्के पढ़ाए पे अगर तूने मेरा इम्तिहान लिया ना तो इतने नंबर लेने हैं मैंने जितनी इसके मुंह पर जूतियां पड़नी है। फिर तो इसका मुंह सेकेगा और बताएगा बल्कि इसने तो फर्स्ट डिवीजन ले ली है। बट्टा गैरता वाला। जानू जी, फिट है मुआ आपका? आ लेने दो जरा उसे। लो। वो नहीं आई? अभी तो मैं आई हूं और ये बिजली का बिल लाया है। जानू जी, फिट है मुंह है आपका? मालूमात हासिल हुई, पूछा किसी से, माशूक की नजरें चेक की, भाईजान शहीद फरमाया करते, माशूक से पूछना नहीं पड़ता, मतलब के तफ्तीश नहीं करनी पड़ती, बस नजरें चेक करनी पड़ती हैं, बस वो जिस नजर से देखे वो नजर चेक करो, साफ पता चल जाता है यस कि नो। नो कह दिया उसने। नो मतलब कि यस, कुछ साफ पता नहीं चलता, मतलब कि ध्यान इधर भी है और उधर भी। उधर किधर? परी पैकर को मार दे कामी, वरना मोहब्बत मर जाएगी। मेरे आसे परी पैकर को सट भी लग गई तो खिचकर चपेट मारेगी मेरे मुंह पर। कौन? कौसर। और कौन? यही तो चेक करना है, सट लगा उसको फिर देख चपेट मारती है। मारती है तो समझ नो, नहीं मारती तो समझ यस। मार देगी। इस पर भी भाईजान शहीद फरमाया करते थे, अगर लड़की किसी से चिढ़ कर मुंह पर चपेड़ मार दे तो लड़की आपकी नहीं है। आपके भाईजान शहीद की ऐसी की तैसी। आराम से बैठो कामी साहब, अफरा तफरी में बंदा जंग भी हार जाता है और मोहब्बत भी।
और ये तीजी मर्तबा भाईजन शहीद की कब्र पर लात मारी है आपने। 300 मोहब्बतों का तजर्बा था उन्हें और आप कल्ली एक मोहब्बत के एक्सपीरियंस पर छलांगे लगा रहे हो। सिट डाउन प्लीज। भाईजान शहीद फरमाया करते थे, दिल को जब ठेस पहुंचती है ना, तो दिल उस गंडोए की तरह हो जाता है जिस पर लून की चूंडी छिड़क दी जाए। लून मतलब नमक, टेबल सॉल्ट। इसलिए दिमाग से काम लेते हैं। दिमाग मेरा सुन हो गया डिंगा साहब। उसने कौसर के सामने मेरी इंसल्ट की है, कहता है दोबारा पीकर आया तो तेरा खून पी जाऊंगा। अब सट सट से बात नहीं बननी, खून शून की बात होगी। आप मियाँ जी को रहा करवाओ, मैं परी पैकर को मार देता हूं। करो डील। मेरी बहन जाके कहते ना कि पारी पैकर वास भी दियो। सलाम चाचा जी। जाने दो ना चाचा जी, गारंटी दे के लाया हूं कि मैं चाचा जी से रिक्वेस्ट करूंगा तो वो गुस्सा नहीं करेंगे। प्लीज ना करो गुस्सा, ये मेरे घर का मामला है। परी पैकर बहन कहता हूं उसको, तो गौर करो ना, ये मेरे भी कार का मामला। चपेड़ चपेड़ जो मारनी है मेरे मुंह पे मारो, स्टोर पे जाओ। कह रहा हूं नीचे उतर, उधर इतनी शर्म नहीं है कि बाप को देखकर सलाम कर ले? अरे तुमसे तो वो गैर अच्छा जिसने मुझे देखते ही कहा सलाम चाचा जी। सलाम अलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। आइंदा कहीं भी जाना तो मुझसे पूछ कर जाना। जानू जानू। ये गोलियां कौन चला रहा था? मैं चाचा जी, आपका खादम। चलाओ गोली, मारो मेरी खोपड़ी में। ना करो चाचा जी, आपकी खोपड़ी भी तो अपने कार का मामला है। मैं तो ऐवें बस मौजर की वर्किंग कंडीशन चेक कर रहा था। सेट है बिल्कुल। एक रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ बोल। सलाम करूं तो जवाब दिया करो, गुस्से में सवाब मिस कर देते हो आप।
जाने मन जाने जिगर परी पैकर। मियाजी वारिस अली जाने मन जाने जिगर परी पैकर।